लग्ना दास आज आम टॉपिक स्टार्ट करवा कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी रो बिल्डिंग केमती टाइप्स ऑफ बिल्डिंग तार क्लासिफिकेशन केमती कौन से सब पढ़वा ठीक अच्छे आम देखा फर्स्ट इंट्रोडक्शन रु स्टार्ट कर फर्स्ट कौन रोचे ना टाइप्स ऑफ बिल्डिंग बेस्ड ऑन ऑक्युपेंसी तो फर्स्ट आम बुझा कि ऑक्युपेंसी माने कौन ऑक्युपेंसी माने हला ना आम जो जगह रोचु तो वेरियस टाइप ऑफ बिल्डिंग आम सराउंडिंग रे देखु जमीक हॉस्पिटल है स्कूल है कॉलेज है ऑफिस है रेसिडेंशियल बिल्डिंग है तो वेरियस टाइप्स ऑफ बिल्डिंग आम सोसाइटी रे डे टू डे लाइफ रे देखु तो से सब को आम जो क्लासीफाई करूँ ताको आम 9 टाइप्स ऑफ क्लासीफिकेसन आम रही बेस्ड ऑन ऑक्युपेंसी तो वन बाय वन आम देखा सब कौ टाइप्स ऑफ बिल्डिंग आम रही तो आम आज कौन पढ़ा आम टॉपिक आज कौन हम ना फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ बिल्डिंग सेकंड हूँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल्डिंग देन थर्ड है फंक्शन ऑफ बिल्डिंग्स तो फर्स्ट आम जाए क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग्स को क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्डिंग आम कौन पढ़ा ना द वेरियस बिल्डिंग कंपोनेंट्स विद देयर डिजायरेबल फंक्शंस आर इंपोर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग व्हाट टू कंस्ट्रक्ट एंड हाउ टू कंस्ट्रक्ट तो मैं से कौन कहूँ ना आम कौ टाइप बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करवा एंड आमर कौ टाइप बिल्डिंग आम सुइटेबल रही कौ कम कौ टाइप बिल्डिंग आम सुइटेबल आम से सब जिन आजिका क्लास आम कवरअप करवा तो सी कौन कौन ना आम पीपीटी में देखा कि बिल्डिंग आम टू टाइप्स रोचे गोटे फर्स्ट बेस्ड ऑन ऑक्युपेंसी सेकेंड हूँ बेस्ड ऑन दि स्ट्रक्चर आम कोर्स इनक्लूडेड अच्छे टाइप्स ऑफ बिल्डिंग बेस्ड ऑन ऑक्युपेंसी ठीक अच्छे तो फर्स्ट है कौन ना बिल्डिंग्स बेस्ड ऑन ऑक्युपेंसी मान हूँ आम एज ए यूजर बिल्डिंग कौ हिसाब से यूज करमती फॉर एग्जांपल आम कॉलेज को ना ये कॉलेज रे गोटे बिल्डिंग अच्छे जोटी आसिक तुम मैं सब पाठ पढ़ु तो आम कह कौन इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग कहीं कॉलेज गोटे इंस्टीट्यूट तो जेकोसी स्कूल कॉलेज कह इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग देन जमी आम जो घर रोचु से आम कौन कौ रेसीडेल बिल्डिंग तो जमी वेरियस कैटेगरीज बिल्डिंग अच्छे आम वन बाय वन देखा तो फर्स्ट जीवा आम कौन रेसीडेल बिल्डिंग ये फोटो जमी तुम मैंने देखिपे गोटे बिल्डिंग ये टाइप बिल्डिंग को आम कह रेसीडेल बिल्डिंग तो ओवरअल आम कौन ना जो जगह को आम रही यूज करुचु आम आम डे टू डे कम सारिकी रात गोटे जगह जाइु से जगह को आम कहटा आम रेसीडेल बिल्डिंग जमीक आम कौन आम ओन घर हो पारे रेसीडेल बिल्डिंग देन सेकेंड आम जो होटेल रोचु से आम कहीपर से गोटे कैंड अफ रेसीडेल बिल्डिंग जो रूम्रे रोचु से रेसीडेल बिल्डिंग या फिर फर एक्जामपल ये जमी दिखाई कटेज हॉस्टल चल बंगलो फ्लैट एगुरा सब कौन आम रेसीडेल बिल्डिंग अंडर में जीव तो डेफिनेशन आम कौन जानवा रेसीडेल बिल्डिंग ना द बिल्डिंग व्हिच आर यूज्ड एट नाइट टू स्लीप इज नोन एज रेसीडेल बिल्डिंग ठीक अच्छे तो एग्जांपल कौन हम ना फ्लैट होटल्स हॉस्टल्स एगुरा सब आम रेसीडेल बिल्डिंग अंडर में जाऊँ देन सेकेंड बुझा सेकेंड हूँ आम एजुकेशनल बिल्डिंग जमीक आगू भी कहली एजुकेशनल बिल्डिंग माने कौन ना जो जगह को आम पाठ पढ़ापी यूज करुचु तो पाठ पढ़ापी आम कौन कौ जगह यूज करमी गोटे ट्यूशन क्लासेस या फिर स्कूल है कॉलेज है यूनिवर्सिटी है से गुड़ा सब आम कौन एजुकेशनल बिल्डिंग जमीक जोगुड़ा कौन ट्रेनिंग पर्पज यूज हो लाइब्रेरीज यूनिवर्सिटीज ये सब को आम कह एगुड़ा सब एजुकेशनल बिल्डिंग माने जो जगह पाठ पढ़ापी जो जगह को आम यूज करवा जेकोसी टाइप नॉलेज से आम गेन करें कह से हमर एजुकेशनल बिल्डिंग तो एजुकेशनल बिल्डिंग एग्जांपल कौन हो स्कूल कॉलेजेस लाइब्रेरीज यूनिवर्सिटीज एगुड़ा सब आम एजुकेशनल बिल्डिंग अंडर में जीव ठीक अच्छे ठीक अच्छे नेक्स्ट टाइप आम देखा नेक्स्ट टाइप आम कौन नेक्स्ट आम देखिले इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग ना सॉरी आम एजुकेशनल बिल्डिंग देखी नेक्स्ट देखा आम इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग तो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग क्या कहुए तार डेफिनेशन आगे देखा इट मीन ए बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड बाय गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ठीक अच्छे इट इज यूटिलाइज्ड फॉर पब्लिक एक्टिविटी सच एज एजुकेशन मेडिकल रिक्रिएशनल कल्चरल हॉस्टल एंड एज ऑर्फनेजेस तो मैंने कौन कौन इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग मैंने कौन
ना जे कोनो सी टाइप रो बिल्डिंग जोड़ा की गवर्नमेंट बने थे पर या फिर सेमी गवर्नमेंट ही थी वो और चैरिटेबल ट्रस्ट ही थी वो ए टाइप रो बिल्डिंग को हमें कहे बा कोन इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग एंड सेटी कोन कोन काम हो दो ना सेटा गोटा मेडिकल भी ही पर गोटा ऑर्फनेज भी ही पर आ कोन है पर एजुकेशन सेंटर भी ही पर हॉस्टल भी ही पर ऑडिटोरियम भी ही पर ए सब जिनसो को हमें कहे बा कोन ना इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग तो तार एग्जांपल हम डे टू डे लाइफ रे कोन ही पर ना जेंदे गोटे गवर्नमेंट बा प्राइवेट हॉस्पिटल हला ताकू आमे कहि परबा एटा हमरो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग सेकंड जो ऑडिटोरियम रही छि जेंदे कि आमे हमरो लोकल रे देखु छि किछि ऑडिटोरियम रही छि तो से गुडा को आमे कहि परबा कोन एटा हमरो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग ठीक अछि किछि जो ऑर्फनेजेस रही छि तो से गुडा को हमरो इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग ठीक अछि एगुडा हमरो सब इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग तो एबे पर्यंत आमे पढ़ले 3 टाइप्स ऑफ बिल्डिंग बेस्ड ऑन ऑक्युपेंसी फर्स्ट कौन पढ़िले ना रेसीडेंशियल बिल्डिंग रे आम कौन बुझे ना जो जगह से जो घर को आम यूज करुच्छ फर कौन रही से रेसीडेंशियल बिल्डिंग सेकेंड है एजुकेशनल बिल्डिंग एजुकेशनल बिल्डिंग मानने जो जगह को आम कौन पाठ पढ़ा जोटी हो पढ़ापाई जो जगह को जाऊँ कौन एजुकेशनल बिल्डिंग फर एग्जांपल स्कूल है कॉलेज है यूनिवर्सिटी है कि लाइब्रेरी है थर्ड आम देखे कौन ना इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग क्या कहुच्छे ना गोटे गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट बा गोटे चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा जो बिल्डिंग को तैयारी करा जाउछ को पर्पस पे ना मेडिकल पर्पस पे हो कि ऑर्फनेज पे हो कि ऑडिटोरियम पे हो से सब जिन को हम कहो को इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग एबे जीवा हमर नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट हमर कोन रहिछि ना नेक्स्ट हमर वाला असेंबली बिल्डिंग एटा तुम्हें देखी पड़ो इंडियन म्यूजियम एटा कोलकाता ए टाइप रो बिल्डिंग को हमर कोन कहा जाए ना एटा होची असेंबली बिल्डिंग असेंबली बिल्डिंग रो संती डेफिनेशन कोन रहबो हमर ना असेंबली बिल्डिंग माने होची जो जगह को हमें पब्लिक गैदरिंग जोठी होतो माने बहुत लोग आसी के एक संगे जोठी मिसतुबे सही जगह को हमें कहि परबा एटा होची हमर असेंबली बिल्डिंग एम्यूजमेंट पे जो को हमें यूज करतो ताको कहबा हमें असेंबली बिल्डिंग फॉर एग्जांपल थिएटर्स हॉल म्यूजियम्स जिम्नासियम रेस्टोरेंट्स टेम्पल्स एगो सब हमर कौन ना असेंबली बिल्डिंग ए सब जगह रे कौन ओनली को गोटे पर्सन या को यूज कर रे एटा मेंट फॉर द पब्लिक तो पब्लिक ले जोटी बेसी लोग गैदरिंग हो जोंदी सेही टाइप रो जगह को हमें कहबा एटा होची असेंबली बिल्डिंग ना कहि कि असेंबली बिल्डिंग को आउची ना द टर्म असेंबल रो आसुची असेंबली असेंबल माने गोटे जगह रे जदी बहुत सारा जिंस हमें आनी के रखबा ताको कहबा हमें असेंबल असेंबल रो जेतु असेंबली होची ता माने कोन ना गोटे जगह रे बहुत पब्लिक लोग आसिकी गैदरिंग हो जों तो से जो से गैदरिंग प्लेस टा को हमें कहबा एटा होची असेंबली बिल्डिंग जेमति कि फॉर एग्जांपल थिएटर हला तो हम मूवी देखिया पे खाली गोटे लोग तो जाउनी बहुत सारा पब्लिक सेठी जाउ छन तो सेठी पे ताको कहबा हमें असेंबली बिल्डिंग टेंपल हला कि चर्च हला सेठी कोन बहुत टाइप के लोग सेठी के जाउ छन सेठी पे ताको कहबा हमें असेंबली बिल्डिंग ठीक होची देन नेक्स्ट टाइप ऑफ बिल्डिंग जीवा नेक्स्ट टाइप ऑफ बिल्डिंग कौन बिजनेस बिल्डिंग कौन कहा जाए ना दीज आर मेंट फॉर रनिंग बिजनेस फॉर ट्रांजैक्शन जो अकाउंट रिकॉर्ड रखा पे तो यार एग्जांपल कौन हो बिजनेस बिल्डिंग माने जे कौन सी टाइप रो बिजनेस पर्पस पे हमें जो बिल्डिंग को यूज करबा ताको हमें कहबा बिजनेस बिल्डिंग फॉर एग्जांपल कौन बैंक ही परे सिटी हॉल से परे कोर्ट से परे जे कौन सी टाइप रो कौन बिजनेस काम हमें जहाँ को यूज कले कहवा कौन हाँ कहवा बिजनेस बिल्डिंग तो तार बेस्ट एग्जांपल है बैंक ठीक अच्छे देन नेक्स्ट टाइप को नेक्स्ट है मर्सेंटाइल बिल्डिंग मर्सेंटाइल बिल्डिंग आम क्या कहा जाए ना जो जमीक मॉल है गोटे शॉप है टाइप बिल्डिंग को आम कह मर्सेंटाइल बिल्डिंग से कौन कहते ना दे आर यूज शॉप stores, markets for displaying and sale of merchandise either wholesale or retail. तो मैंने कहा ना जे कौन सी जगह को हमें आइदर होलसेल की रिटेल प्राइस में कौन सी जिनस किणा बिका हो टाइप जगह को हमें कहवा कौन मर्चेडाइज बिल्डिंग जमीक आम बड़ बड़ मल जमीक आम रिलायंस स्मार्ट मल रही गोटे मर्चेडाइज बिल्डिंग तो एनी टाइप अफ कौन शॉप हो कि मल हो जो जोठी आम जा कौन होलसेल हो कि रिटेल प्राइस रे जिनस किणुचु तक आम कौन कौन मर्चेंटाइल बिल्डिंग देन नेक्स्ट टाइप ऑफ बिल्डिंग नेक्स्ट टाइप ऑफ बिल्डिंग इंडस्ट्रियल बिल्डिंग इंडस्ट्रियल बिल्डिंग
कौनसी जगह रे बा जे कौनसी इंडस्ट्री रे अमर किछ ना बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करू छु सेठी काहे कि हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करू छु सो दैट कि हम रॉ मटेरियल्स आनी के रखी परबा तको हम फर्दर प्रोसेसिंग कर परबा प्रोसेसिंग कला पर हम फाइनली गोटे प्रोडक्ट पाइबा तो सही जो इतनी काम करे पे हमको जो बिल्डिंग दरकार बा जो जगह दरकार जो घर दरकार सही जगह को बा सही घर को हमें कहबा एटा हमर कोन ना इंडस्ट्रियल बिल्डिंग जेमती कि से डेफिनेशन दी छ कोन दीज आर द बिल्डिंग्स इन व्हिच प्रोडक्ट्स और मटेरियल्स ऑफ ऑल काइंड्स एंड प्रॉपर्टीज आर फैब्रिकेटेड असेंबल्ड एंड प्रोसेस्ड ठीक अछि दे अकोमोडेट प्लांट्स एंड मशीनरी रिफाइनरीज पावर प्लांट्स डायरेक्ट सॉमिल्स क्लीनिंग प्लांट्स कंपेंसेशंस एक्सेट्रा ए टाइप रो जो बिल्डिंग थिबो हमरो जो जगह मशीनरी थिबो एंड कोन अलग जिनस सब रही थिबो जोटी कि हमें गोटे जिनस प्रोडक्शन करि परबा गोटे प्रोडक्शन पई जति कि बिल्डिंग दरकार जो जो बिल्डिंग हमें यूज करबा से सब को हमें कहबा कोन ना से उडा होछ हमर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग देन नेक्स्ट जीरो हमें स्टोरेज बिल्डिंग द वर्ड स्टोरेज इटसेल्फ कोन कहउछि ना जो जगह रे हमें किछ जिनस स्टोर करि के रखिबा तो आमे जिनस कोड स्टोर करके रखा जमी कि फॉर एग्जांपल आमर कोल्ड स्टोर है स्टोर हाउस है कौन करूँ ना फ्यूचर में जिनस यूज करापे जिनस स्टोर करके रखुचु तो यार बेस्ट एग्जांपल हूँ कौन आम जो कोल्ड स्टोरेज रही तो स्टोरेज बिल्डिंग मान हूँ जो जगह आम जिन स्टोर करके रखा फर फ्यूचर यूज ठीक अच्छे तो टाइप्स ऑफ बिल्डिंग अंडर में आम टाइप्स ऑफ बिल्डिंग पढ़ले नेक्स्ट टॉपिक को आम जीवा नेक्स्ट टॉपिक होची हमरो कोन टाइप्स ऑफ बिल्डिंग पढ़ी सारे टाइप्स ऑफ बिल्डिंग परे कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग माने कोन ना गोटे बिल्डिंग रे कोन कोन तारो पार्ट्स रही तो बेसिकली हम गोटे बिल्डिंग को तारो टू पार्ट्स रे डिवाइड करिचे तो टू पार्ट्स कोन ना गोटे हला सुपर स्ट्रक्चर आ गोटे हला सब स्ट्रक्चर मेनली टू पार्ट्स एटा हम देखो जे दीटा कंपोनेंट रही छे गोटे हला सुपर स्ट्रक्चर देन सेकंड वन इज सब स्ट्रक्चर फर्स्ट हमें देखा सुपर स्ट्रक्चर कहा जाए ना सुपर स्ट्रक्चर कौन गोटे बिल्डिंग ना गोटे बिल्डिंग आम कहा ग्राउंड सरफेस करूँ तो ग्राउंड सरफेस जो आम बिल्डिंग या कि पोर्सन तार ग्राउंड रे रोच आउ कि पोर्सन ग्राउंड रभव्रे रोच तो ग्राउंड रे जो पोर्सन रोच आम कौन सब स्ट्रक्चर एंड एभव दि ग्राउंड जो गुड़ाक रोचा आम कौन कौन से सुपर स्ट्रक्चर तो एबव दि ग्राउंड ये बिल्डिंग में आम कौन एबव दि ग्राउंड अच्छे तो ये ग्राउंड उपर जो स्ट्रक्चर गुड़ाक आम कह सुपर स्ट्रक्चर तो कौन कौन पार्टस रोचे कौन कौन कंपोनेंट्स रोचे से सुपर स्ट्रक्चर अंडर ना आम कौन प्लेन रोच वॉल एंड कॉलम्स रोच आज नॉर्मली ये बिल्डिंग में आम बीम अच्छी कॉलम अच्छी फ्लोर अच्छी स्लैब अच्छी देन कौन लिंटेल्स अच्छी साजाज अच्छी देन पैरापेट्स अच्छी ये सब जिनस सुपर स्ट्रक्चर में इनक्लूडेड हो माने माटी उपरे जहाँ भी हम स्ट्रक्चर बनाऊ से सब आम सुपर स्ट्रक्चर में इनक्लूडेड देन जी आम सब स्ट्रक्चर को सब स्ट्रक्चर क्या कहवा ना माटी तले बिल्डिंग जो कंपोनेंटा रोच तो आम जाने बेसिकली माटी तले गोटे ही कंपोनेंट आम रुहे जोटा कि हूँ फाउंडेशन तो फाउंडेशन काम कौन ना फाउंडेशन काम होची से सुपर स्ट्रक्चर जो लोड पाउची से लोड को से कैरी करके सॉइल को ट्रांसफर करबा ग्राउंड को ट्रांसफर करबा तो बेसिकली हमें कौन पढ़ले ना टाइप्स ऑफ बिल्डिंग पढ़ले टाइप्स ऑफ बिल्डिंग परे कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग पढ़ले कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग अंडर रे पुनी कौन ना दीडा कंपोनेंट रही गोटे सुपर स्ट्रक्चर देन सेकंड वन है सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर क्या कह एबव दि ग्राउंड लो स्ट्रक्चर गुड़ा रही फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग रे हमें देखि परबा बा ये क्लासरूम रे हमें देखु छु वॉल्स रही छी बीम रही छी कॉलम रही छी फ्लोर रही छी स्लैब रही छी लिंटेल रही छी छाजा रही छी पैरापेट रही छी ए सब जिंस हमर कोन सुपर स्ट्रक्चर अंडर रे जाउ छी देन सेकंड कंपोनेंट हला हमर कोन सब स्ट्रक्चर का कहबा ना बिलो द ग्राउंड जो गुडा को रहू छी तो माने ओनली फाउंडेशन हमर बिलो द ग्राउंड रहू छी एंड फाउंडेशन नो काम कोन ना से सुपर स्ट्रक्चर रो लोड को कैरी करबो एंड फर्दर से ग्राउंड को ट्रांसफर कर ठीक अच्छे तो अब टाइप्स ऑफ जो कंपोनेंट ऑफ स्ट्रक्चर आम पढ़ले तो फर्स्ट आम जीवा सुपर स्ट्रक्चर पक सुपर स्ट्रक्चर में कौन कहली ना एबव दि ग्राउंड गुड़ाक था तो किसी पार्टस तर देखा जमीक फर्स्ट मुझे कौन प्लेन प्लेन मान कौन ना प्लेन तो आम कह बिल्डिंग में कत
ना प्लिथ का को कहा जाए ना तोड़ा ग्राउंड सरफेस और फ्लोर हमें फ्लोर टा बनी जो ना ए फ्लोर तोड़े जो भी इंसान टा होची तब को हमें कोई बा प्लिथ माने हमारा जो नेचुरल ग्राउंड सरफेस रहेला और हमें जो फ्लोर करेगा से सत्ती के भीतर जो डिस्टेंस बा से जो स्ट्रक्चर टा को हमें बनुचू ताको कहूचो हमें प्लिथ टेक्निकली तर डेफिनेशन हमें कौन कहवा प्लिथ इज दैट पार्ट ऑफ द बिल्डिंग बिटवीन द सराउंडिंग ग्राउंड सरफेस एंड फ्लोर स्पेस इमीडिएटली अबव द ग्राउंड ठीक अच्छे दो दिन थोड़ा मुझे कहूँ ये प्लेथ काम कौन करुच्ची ना ये आम रेन वाटर को प्रिवेंट करुच्ची टाइप रहा जो प्लांट ग्रोथ को प्रिवेंट करुच्ची रेन वाटर प्रिवेंट करुच्ची आ कौन एनिमल एंट्री को प्रिवेंट करुच्ची है ना जो रोडेंट सामान रही छोट छोट पक इनसेक्ट प्रिवेंट करुच्ची तो प्लेथ आम बनाऊ आम निजर सेफ्टी सो दैट कि आम जो बिल्डिंग कन्स्ट्रक्ट करवा ताको किसी हार न हो देन जनरली प्लिंथ हाइट आम कितने रखु 45 60 75 90 और 125 सेंटीमीटर ठीक अच्छे आम नीड को लेकिन केत बिल्डिंग बनाऊ ताको प्लिंथ हाइटा डिसाइड कर देन फर्स्ट कला प्लिंथ प्लिंथ पर सेकेंड कंपोनेंट कौन सेकेंड कंपोनेंट है वाल्स वाल्स आम क्या कौच ना आम जो कांथ होता है गोटे बिल्डिंग में जो कांथ को आम कहू वाल वाल आम कौ कौ जिनस बनपर ना आम गोटे ब्रिक वॉल बनपर आ गए स्टोन में बनपर बट नॉर्मली आजिकल आम ब्रिक वॉल ही प्रिफर करुचु तो वॉल्र काम कौन ना वॉल्र काम कौन वॉल आम रूफ बा स्लैब आउ बीम्स रू लोड को क्यारी कै सी लोड को क्यारी करके अगेन सी कौन सबस्ट्रक्चर को ट्रांसफर कै मैंने फाउंडेसन को ट्रांसफर कै एंड फाउंडेसन फर्दर आम ग्राउंड सरफेस को लोड को ट्रांसफर कै देखिए कौन लिखा है द वॉल्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स और ब्रिक्स और स्टोन्स दे डिवाइड द बिल्डिंग स्पेस इनटू वेरियस रूम्स तमें कौन आम गोटे बिल्डिंग के कांथ कहीं दबा आम तो गोटे भी कांथ दे था तो आम बिल्डिंग कम्प्लीट होता बट सेमती आम करमती आम कहीं करूँ कहीं सपोज आम गोटे रेसीडेल बिल्डिंग बनाऊा आम कौन फास्ट आम प्रपर प्लानिंग करुच्छू कि मोर दुटा बेडरूम रोज कि गोटे ड्रइंग रूम रोज गोटे किचेन रूम रोज तो ये जो एत सारा रूम आम डिवाइड कले से रूम को डिवाइड आम कमी करवा ना विथ द हेल्प ऑफ दि वॉल्स आम वॉल देना पार्टीशन करुचु देन पार्टीशन कलापर आम कौ कि यहाँ मोर बेडरूम कि यहाँ मोर किचेन कि यहाँ मोर ड्रइंग रूम ठीक अच्छे तो वॉल्स काम है कौन फर्स्ट काम है लोड ट्रांसफर कर बीम बा स्लैब रू सेकंड काम है आम जो एंटायर बिल्डिंग रही गोटे बड़ स्पेस से बड़ स्पेस को आम आम नीड हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट रूम्स डिवाइड कर तो वॉल्स मुझे कहली टू टाइप्स गोटे ब्रिक मेसनरी यूज कर सेकेंड है स्टोन मेसनरी यूज कर वॉल्र फिगर कॉलम्स कलम कौन कलम्स आर वर्टिकल मेंबर्स अलोंग विथ बीम्स एंड स्लैब ऑन रूफ इज सपोर्टेड दे आर स्क्वायर रेक्टेंगुलर एंड सर्कुलर इन शेप इन क्रॉस सेक्शन माने से कौन कह कलम कहक कहवा ना कलम हूँ गोटे बिल्डिंग रे वर्टिकल मेंबर से वर्टिकल मेंबर रो काम कौन ना से रूफ बा स्लैब रू लोड को क्यारि कर तो फॉर सपोर्ट पर्पज आम गोटे कलम को तैयारी कर ठीक अच्छे देन नेक्स्ट है कौन फ्लोर फ्लोर आम कहना फ्लोर आम से जो एरिया रे आम कौन नॉर्मली वर्क करुचु जो एरिया रे आम रखुचु या फिर जिनस रखुचु से एरिया को आम नॉर्मली जानचे आम फ्लोर बोली कहू देन नेक्स्ट कौन रूफ रूफ मैंने आम जानचे जो छात है गोटे बिल्डिंग को तो आम खाली जस्ट वॉल कॉलम बीम दे रखिपर आम गोटे रूफ दवा दरकार सो दैट कि स्पेसटा आम कौन एनक्लोज क्लोज होटे रूम को क्लोज करवा कहीं दरकार सो दैट कि हिट रेन एनी काइंड ऑफ वेदर इफेक्ट कौन सी टाइप एनिमल्स भितर को आसवानी से आम कौन यूज करवा ना जेकोसी बिल्डिंग कर सारापर आम रूफ दौ ठीक अच्छे जमीक सब कि कलम्स फिगर देखिए रूफ बा स्लैब एटा हूँ रूफ बा स्लैब आम बिल्डिंग में भी देखिपर कि सब कौन एटा रूफ कराई नेक्स्ट है फ्लोर फ्लोर नर्माली आम देखुचे जो टाइल फ्लोर पड़ी एंड ये गोटे फ्लोर रग्जापल आम ठीक अच्छे तापर आम
नेक्स्ट कंपोनेंट आम देखा कौन ना बीम। बीम क्या कहुए नॉर्मली क्लासरूम से गोटे बीम आम देखे क्लासरूम दीटा बीम अच्छे तो बीम गोटे कौन ना बीम गोटे हॉरिजॉन्टल मेंबर जी की आम रूफ बा स्लैब को सपोर्ट करे। तो गोटे हॉरिजॉन्टल मेंबर जी रूफ बा स्लैब को सपोर्ट कर बीम ठीक अच्छे। देन नेक्स्ट पेपर आम कौन रोज ना नेक्स्ट यहाँ गोटे बीम रो फिगर जमी तुम क्लासरूम देखी पार दीटा बीम यहाँ गोटे बीम र फिगर। नेक्स्ट हूँ लिंटेल एंड आर्क। लिंटेल क्या कहुए ना लिंटेल इज ए हॉरिजॉन्टल मेंबर व्हिच इज प्लेस्ड अक्रॉस द ओपनिंग माने जो डोर बा विंडो उपरे हमें जो स्ट्रक्चर तो तैयारी करू ताको कहू आमे लिंटेल ठीक अच्छे। आज एतकी आमे पढ़ुवा नेक्स्ट क्लास रे आपको कंटिन्यू करवा ठीक अच्छे।